हेलो एवरीवन। तो हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर कंसीडर कर रहे थे, उसमें से एक लेक्चर हम लोग देखे थे, आज उसका दूसरा लेक्चर है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ था, उसमें से क्लासिफिकेशन दो बेसिस के आधार पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। सबसे पहला था नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के आधार पे, बाइनरी, टर्नरी और क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। उसके बाद था जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उनके फिजिकल स्टेट के आधार पे क्लासिफिकेशन, कि सॉल्यूट मान लो कि सॉलिड हो, सॉल्वेंट भी सॉलिड हो, तो किस प्रकार का सॉल्यूशन बनेगा, उसका एग्जांपल क्या है। ऐसे करके तकरीबन 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों ने कंसीडर किया था। आगे अब क्लासिफिकेशन है सॉल्यूशन का, यह है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के आधार पे, कि सॉल्यूट का किस अमाउंट तक आप डिसॉल्व कर रहे हो उसके आधार पे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हाँ, तो क्या बताया कि सॉल्यूट का रिलेटिव अमाउंट के आधार पे अगला क्लासिफिकेशन है सॉल्यूशन का। इसमें हम लोग सॉल्यूशन को दो कैटेगरी में रखते हैं, एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऐसा, तो देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का जो क्लासिफिकेशन है वह सॉल्यूट के रिलेटिव अमाउंट के आधार पे। इन जनरल किसी भी सॉल्यूशन में क्या होता है ना कि सॉल्यूट का मात्रा सॉल्वेंट के तुलना में कम ही रहता है। जनरल बात जो है, किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वह कम मात्रा में रहेगा किसके तुलना में, तो सॉल्वेंट का जो मात्रा है उसके तुलना में। लेकिन यदि किसी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का मात्रा है वह सॉल्वेंट से बहुत कम, मतलब उसको लिस्ट अमाउंट बोला जाए, कि यदि किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट लिस्ट अमाउंट में प्रेजेंट है तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। एग्जांपल के लिए जैसे डाइल्यूट को सॉल्वेंट या ये लिखा जाता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, वैसे ही लिख सकते हो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हुआ। तो ये सब जो डाइल्यूट लिखा हुआ है ना, इसका मतलब भी हुआ कि इसमें सॉल्वेंट लार्ज एक्सेस में बहुत ज्यादा और जो सॉल्यूट है वह लिस्ट अमाउंट में। अब इसमें भी कितना डाइल्यूट है या नहीं है तो इस सब बात जो है वह डिपेंड करता है इसके कंसंट्रेशन पे, कि आप कितना अमाउंट वगैरह लिए हो कि नहीं लिए हो, ये सब डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। जनरली जो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्लासिफिकेशन है या एक क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है, क्वांटिटेटिव नहीं है, मतलब क्वांटिटी के आधार पे सबका क्लासिफिकेशन नहीं है। क्योंकि देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब अभी मैंने क्या बताया कि इसमें सॉल्यूट का मात्रा लिस्ट अमाउंट में होगा। अब लिस्ट में मैंने कितना एग्जैक्ट क्वांटिटी कहां बता पा रहे हैं, जैसे डाइल्यूट HCl है तो कहां बताएं कि डाइल्यूट HCl में HCl कितना परसेंट है, ऐसा तो नहीं बता पा रहे हैं। तो एक क्वालिटेटिव है, केवल क्वालिटी बता रहा है कि यदि सॉल्यूट लिस्ट अमाउंट में हो तो वह डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा, क्वांटिटी की बात हम नहीं कर रहे। इसलिए जो है डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन है ना, यह एक क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है। क्वालिटी के आधार पे एक होता है, क्वांटिटी के आधार पे जिसको हम लोग क्वांटिटेटिव बोलते हैं, कि क्वांटिटी के आधार पे नहीं है, क्वालिटी के आधार पे। तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन के अनुसार सॉल्यूशन दो टाइप के हुए, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब मैंने क्या बताया कि इसमें जो सॉल्यूट होंगे वह लिस्ट अमाउंट में होंगे, बहुत कम, इन जनरल तो कम ही रहते हैं, लेकिन इसमें लिस्ट अमाउंट को देखें कम से कम कितना हो सके। अब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करें तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का मात्रा जितना मैक्सिमम घोला जा सकता था उससे भी अधिक है। क्या बताया कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन उस प्रकार का सॉल्यूशन हुआ जिसमें सॉल्यूट का मात्रा जितना उसका मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व किया जा सकता था उससे भी अधिक है। जैसे मान लो कि कोई नॉर्मल सॉल्यूशन बनता हो, उसमें से आप
25 ग्राम मिलाए कोई भी सब्सटेंस 100 ml ऐसा इस सॉल्यूट हुआ इस सॉल्वेंट हुआ या एक नॉर्मल सॉल्यूशन है। अब यदि आप सॉल्यूट को 25 ग्राम ना बल्कि इससे और ज्यादा डिजॉल्व कर दे और यदि डिजॉल्यूशन हो जाए मतलब उसमें डिजॉल्व कर जाए तो फिर ऐसे सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड बोला जाएगा या यूं समझ लो सिंपल सा एक लाइन में कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट लिस्ट अमाउंट में होते हैं और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट मैक्सिमम अमाउंट में होते हैं। ऐसे इसको समझ सकते हो सॉल्वेंट का मात्रा दोनों में रहेगा इसमें सॉल्वेंट बहुत ज्यादा सॉल्यूट बहुत कम इसमें सॉल्यूट बहुत ज्यादा सॉल्वेंट बहुत कम। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कंसंट्रेटेड HCl कॉम्प लिखते हैं तो कॉम्प का मतलब कंसंट्रेटेड हुआ मतलब इसमें HCl का मात्रा बहुत ज्यादा है और जो इसके साथ सॉल्वेंट होगा वाटर वगैरह उसका कंसंट्रेशन बहुत कम है। उसके बाद डाइल्यूट HCl था तो वैसे यहां कंसंट्रेटेड सॉरी H2SO4 करें वैसे ही कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड करें हम लोग ऐसा कि कंसंट्रेटेड का मतलब कितना हम तो बस केवल इतना ही बता दे रहे हैं ना कि सॉल्वेंट बहुत ज्यादा मात्रा तो बहुत ज्यादा मतलब कितना उसका कुछ अमाउंट तो होगा ना तो इसी को एक्सप्रेस करने के लिए आगे हम लोग सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पढ़ेंगे मोलैरिटी नॉर्मैलिटी वगैरह तो वहां पता चलेगा कि कौन के HCl का कितना कंसंट्रेशन होता है H2SO4 का कितना होता है ये सब का डिस्कशन आगे। क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है क्लासिफिकेशन वह एक क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है या एक क्वांटिटेटिव नहीं है। अब जो अगला क्लासिफिकेशन है सॉल्यूशन का वह भी अमाउंट पर ही है और इस केस में सॉल्यूशन को देख कैसे क्लासिफाई किया जाता है सॉल्यूशन तीन कैटेगरी है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसके बाद सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा क्लासिफिकेशन है। अभी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। अनसैचुरेटेड हो गया असंतृप्त सॉल्यूशन ये वह संतृप्त सॉल्यूशन इसको बोलेंगे अति संतृप्त सॉल्यूशन नहीं असंतृप्त सॉल्यूशन संतृप्त सॉल्यूशन या अति संतृप्त सॉल्यूशन। इसके पहले क्लास 10 में आप लोगों ने इन दोनों के बारे में डिस्कशन किया होगा असंतृप्त और संतृप्त। अति संतृप्त सॉल्यूशन क्या है इसको आगे हम लोग देखेंगे। अब तीनों केस में हम लोगों को करना क्या है ना कि टेंपरेचर और प्रेशर को फिक्स्ड रखना है कांस्टेंट रखना है चेंज नहीं करना है। तो यदि एक दिए हुए टेंपरेचर और प्रेशर पर किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट का और मात्रा को डिजॉल्व किया जा सके तो वैसे सॉल्यूशन को बोला जाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बताया कि एक दिए हुए टेम्परेचर और प्रेशर पर यदि किसी सॉल्वेंट में और अधिक से अधिक सॉल्यूट को डिजॉल्व किया जा सके तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन यदि एक फिक्स्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर उस सॉल्यूशन में और अधिक सॉल्वेंट को नहीं घोला जा सके सॉरी और अधिक सॉल्यूट को नहीं घोला जा सके तो वैसे सॉल्यूशन को बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बताया हम कि एक फिक्स्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे मतलब टेम्परेचर प्रेशर को वेरी नहीं करना है एक फिक्स्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर यदि किसी सॉल्यूशन में और अधिक सॉल्यूट नहीं डिजॉल्व किया जा सके तो वैसे सॉल्यूशन को बोला जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। टेम्परेचर प्रेशर बशर्ते फिक्स होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ सपोज देखो मान लो कि नमक का सॉल्यूशन बना रहे हैं पानी के साथ तो होगा क्या कि आप एक लिमिटेड क्वांटिटी लिए हो वाटर का मान लें हम लोग कि एक ग्लास जो है पानी लिए हम लोग जो भी हो 150 ml 200 ml तो मान लो कि 200 ml पानी हम लोग लिए इसमें नमक डिजॉल्व कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है 5 ग्राम लिए 10 ग्राम लिए 20 ग्राम लिए तो नमक शुरू में डिजॉल्व होते जाएगा। तो जो नमक डिजॉल्व हो रहा है इस वाटर में तो अभी इस सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन
मतलब कि अभी इसमें और अधिक से अधिक सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहा है। अब आप नमक घोलते जाओ, 20 ग्राम होगा, 35 ग्राम होगा, 40 ग्राम होगा, 50 ग्राम होगा, 60 ग्राम होगा, ऐसे मान लो कि 70 ग्राम होगा, नहीं 2 ml वाटर है, 70 ग्राम नमक आप इसमें डिजॉल्व कर चुके हो। अब जैसे ही 70 ग्राम के बाद थोड़ा सा भी 0.1 ग्राम आप नमक और ऐड किए तो वह नमक इसमें डिजॉल्व होना बंद हो गया। मतलब अब जो आप नमक इसमें ऐड कर रहे हो वह इसमें डिजॉल्व नहीं होगा बल्कि इसके बॉटम में जाकर के नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, बैठ जाएगा। इसका मतलब कि अब जो हम लोग सॉल्यूट इसमें डिजॉल्व कर रहे हैं वो नहीं घुल पा रहा है, तो इस सॉल्यूशन को आप हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यदि सॉल्यूशन में और अधिक से अधिक सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहा है तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और यदि इसमें सॉल्यूट का डिजॉल्यूशन बंद हो गया एक फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब कि कोई भी सॉल्यूशन जो है ना स्टार्टिंग में अनसैचुरेटेड ही रहता है और धीरे धीरे फिर वह सैचुरेशन स्टेज तक पहुंचता है। सपोज आप लेबोरेटरी में वर्क कर रहे हो, आपको कोई बोले कि जाओ जी ग्लूकोज का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना के, कैसे बनाओगे, तो लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर लेना है, कम से कम अमाउंट ऑफ वाटर ताकि सैचुरेशन जल्दी पहुंच जाए, जल्दी सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाए। तो कम से कम अमाउंट में वाटर लेना है, इसके बाद इसमें ग्लूकोज डिजॉल्व कर देना है। तो बताया कि शुरू में ग्लूकोज डिजॉल्व होते जाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हुआ, अब ग्लूकोज घोले जा रहे हो, अब एक ऐसा भी स्टेज आएगा जब ग्लूकोज उसमें घुलना बंद हो जाएगा, मतलब आप जो ग्लूकोज ऐड करोगे जाकर के नीचे डायरेक्ट सेटल डाउन होने लगेगा, बैठने लगेगा। तो जब ग्लूकोज उस सॉल्यूशन में डिजॉल्व करना बंद हो जाए तब बोलेंगे कि वह सॉल्यूशन सैचुरेटेड बन गया, जाकर के वहां दिखा देंगे। तो आप जहां दिखाने जाओगे वो कैसे चेक करेगा कि सैचुरेटेड है कि नहीं, तो वो भी वही करेगा, ग्लूकोज डाल के उसमें देखेगा, यदि घुल गया तो जानेगा कि नहीं अभी तो अनसैचुरेटेड ही है, और जब वो डाला और वहां जाकर नीचे डायरेक्ट सेटल डाउन हो गया, उसमें डिजॉल्व नहीं किया, तो वह समझ जाएगा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है। जैसे एग्जांपल सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करें तो बोल रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर और जो रूम टेम्परेचर होता है 1 atm, हालांकि टेम्परेचर का है प्रेशर का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है सॉल्युबिलिटी पे, खास करके जब सॉलिड का सॉल्युबिलिटी देख रहे हो तब, लेकिन 25 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर पे 100 ml वाटर में मैक्सिमम आप 36 ग्राम NaCl डिजॉल्व कर सकते हो, इससे ज्यादा। क्या बताया कि 25 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर पे आप 100 ml वाटर में मैक्सिमम 36 ग्राम NaCl ही डिजॉल्व कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। तो यह जो सॉल्यूशन होगा इसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब किसा 36 ग्राम से ज्यादा डिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो देखो क्या होगा, जैसे मान लो कि आप बीकर लिए हो ऐसा, एक बीकर है इसमें आप यहां तक पानी दिए, माने कि 100 ml जो है वाटर H2, इसमें आप इधर से NaCl डिजॉल्व कर रहे हो, तो क्या होता है मैक्सिमम कितना 36 ग्राम, तो 36 ग्राम NaCl आप इसमें डिजॉल्व कर दिए, इस सॉल्यूशन बन गया, गाढ़ा जाएगा सॉल्यूशन बन जाएगा ऐसा। लेकिन यही दूसरा केस आप क्या करो कि वही आपका वाटर है 100 ml ही है ऐसा, और फिर यहां भी नमक डिजॉल्व कर रहे हो, तो बताया कि 36 ग्राम NaCl डिजॉल्व किए वहां तक बात ठीक है, इसमें डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन जैसे ही इससे आगे बढ़े सपोज 4 ग्राम और मिला दिए, 40 ग्राम NaCl आप बना दिए, तो अब ये जो 4 ग्राम एक्स्ट्रा NaCl मिलाए हो ना, या 4 ग्राम नीचे जाकर कैसे सेटल डाउन हो जाए, अब इसमें डिजॉल्व नहीं करेगा, तो ये जो सेटल डाउन हुआ है या मात्र 4 ग्राम ही होगा, क्योंकि आप 40 ग्राम NaCl डिजॉल्व किए उसमें 36 ग्राम तो घुल गया ना, मैक्सिमम उसका अमाउंट उतना घुल सकता था, तो बाकी जो 4 ग्राम है वही जाकर के नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब इसमें आप और अतिरिक्त NaCl को डिजॉल्व नहीं कर सकते हो। तो पर 100 ml 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड यदि डिजॉल्व है रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे तो वह सॉल्यूशन बनाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जनरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन का जो मोर क्लियर डेफिनेशन है उसको हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि उस प्रकार का सॉल्यूशन जो अपने सॉल्यूट के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में हो, डायनामिक इक्विलिब्रियम में हो,
मतलब ये जो सॉल्यूशन बना था यहां तक और ये जो सॉल्यूट सेटल डाउन हो गया, तो ये दोनों के बीच यहां इक्विलिब्रियम सेटल होता है। मतलब इसके कुछ पार्टिकल्स इसमें डिसॉल्व होंगे तो फिर इसका कुछ पार्टिकल यहां आकर के सेटल डाउन हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम स्ट्रेंथ रहेगा इतना ही 36 ग्राम पर 100 ml ऑफ H2O। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब उस प्रकार का सॉल्यूशन जिसमें एक फिक्स टेंपरेचर और प्रेशर पे और अधिक सॉल्यूट को नहीं डिसॉल्व किया जा सके, या एक लाइन में बोले कि द सॉल्यूशन व्हिच इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद इट्स सॉल्यूट, कि वह सॉल्यूशन जो अपने सॉल्यूट के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आया हम लोग का सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यह सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है जरा उसको हम लोग देखते हैं। तो देखो अभी हम क्या बताया कि एक फिक्स टेम्परेचर है, तो एक फिक्स टेम्परेचर पर आप 100 ml वाटर में मैक्सिमम कितना HCl बोले 36 ग्राम, ठीक है। मान लें हम लोग कि आप 25 डिग्री सेल्सियस पे इतना इसमें डिसॉल्व हुआ है। अब क्या करो कि टेम्परेचर आप थोड़ा सा बढ़ा दो, 25 डिग्री सेल्सियस से आप समझ कि इसको 45 डिग्री सेल्सियस कर दो, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और बढ़ा दो। तो अब जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका 36 ग्राम ही डिसॉल्व नहीं होगा, इससे ज्यादा मान लो कि 14 ग्राम और डिसॉल्व हो गया, 50 ग्राम मान लिया इसका हम लोग, कितना डिसॉल्व हुआ है तो एक्सपेरिमेंटल बात है, लेकिन मान लिए कि जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा करके हम 45 डिग्री सेल्सियस कर दिए, तो अब इसमें क्या हुआ कि 14 ग्राम HCl और डिसॉल्व हो गया, 50 ग्राम डिसॉल्व हो गया। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ता है इन जनरल। अब क्या करो कि जो आप टेम्परेचर 45 डिग्री किए थे ना, तो उसमें तो आपका इतना डिसॉल्व हो गया 50 ग्राम। अब क्या करो कि टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से फिर कर दो 25, कम कर दो इसका जो ओरिजिनल टेम्परेचर था वहां तक ले गया, तब जो सॉल्यूशन बनेगा वही कहलाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन का यदि टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो उसका सॉल्युबिलिटी जो है सॉलिड का वह बढ़ेगा, उसमें और अधिक सॉलिड को डिसॉल्व कर पाएंगे, और फिर वही सॉल्यूशन का टेम्परेचर ओरिजिनल स्टेट पे लेकर के आओ तब जो सॉल्यूशन बनेगा वह कहलाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और एक मोर क्लियर डेफिनेशन हम बताते हैं, और एक मोर क्लियर डेफिनेशन क्या इसका है, तीनों का डिस्टिंक्शन करके। तो तीनों को कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो पहला कि जितना सॉल्यूट आप मिला रहे हो वह सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व होते जा रहा है, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। टेम्परेचर प्रेशर का सबसे फिक्स हो, क्या बताए कि जितना सॉल्यूट आप मिला रहे हो उतना सॉल्यूट यदि उसमें डिजॉल्व होते जा रहा है तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसमें मान लो कि इसमें सॉल्यूट मिला रहे हो, 4 ग्राम ऑफ सॉल्यूट मिलाए और जाने के बाद ये 4 ग्राम सॉल्यूट यहां नीचे बैठ गए, ये भी 4 ग्राम, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूट मिला रहे हैं उसमें घुल गया तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्यूट मिलाए और जितना सॉल्यूट मिलाए उतना सब जाकर के नीचे बैठ गया है, डिसॉल्यूशन नहीं हुआ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और तीसरा केस कि यदि आप 4 ग्राम सॉल्यूट मिलाए हो लेकिन यहां जाकर के आपका 5 ग्राम सॉल्यूट बैठ गया, मिलाए कितना थे 4, यहां नीचे बैठा है ना 5, मतलब 1 ग्राम सॉल्यूट कौन सा है ऑलरेडी इसमें पहले से घुला हुआ था, वो भी नीचे जाकर के सेटल डाउन हो गया, तो जितना सॉल्यूट मिलाए थे उससे ज्यादा जाकर के नीचे सेटल डाउन हो जाए, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बहुत ही क्लियर सा डिस्टिंक्शन है कि सॉल्यूट मिलाते गए घुलते गया तो अनसैचुरेटेड, जितना सॉल्यूट मिलाए सब जाकर के नीचे सेटल डाउन हो गया बैठ गया, जितना मिलाए उतना ही तो सैचुरेटेड, और जितना सॉल्यूट मिलाए तो उससे थोड़ा ज्यादा सॉल्यूट सेटल डाउन हो गया, तो वैसे सॉल्यूशन को बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में डेफिनेशन आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन या फिर अनसैचुरेटेड का, तो वहां आप लोग इसको लिख पाओगे, या लिखने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था समझना, जनरली फाइव वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब आप प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन दोगे तब। अब देखो एक लास्ट क्लासिफिकेशन है सॉल्यूशन का, और इसमें हम लोग सॉल्यूशन को कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो इसमें दो कैटेगरी है, एक एक्वस सॉल्यूशन और दूसरा नॉन एक्वस सॉल्यूशन।
नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन मतलब वह सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट हो वाटर। क्या बताया कि एक्वस सॉल्यूशन मतलब वह सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या हो, वाटर, वाटर ही केवल। तो वैसे सॉल्यूशन को बोला जाता है एक्वस सॉल्यूशन, और उस प्रकार का सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर के अलावे, वाटर इसमें सॉल्वेंट नहीं हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्चुअली जो वाटर है ना, इसको हम लोग एक्वा भी बोलते हैं, एक्वा मींस वाटर, और इस एक्वा से ही बना है एक्वस ऐसे। तो एक्वस का मतलब ही हुआ इसमें एक्वा मतलब वाटर। तो वाटर एज ए सॉल्वेंट होना चाहिए। तो यदि किसी सॉल्यूशन में वाटर सॉल्वेंट हो तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। याद रहे कि वाटर को हम लोग एक्वस सॉल्वेंट भी बोलते हैं, वाटर को एक्वस सॉल्वेंट भी बोलते हैं, और एक्वस सॉल्वेंट के अलावे वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोला जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वाटर में मैक्सिमम सब्सटेंस को अपने में डिजॉल्व करने का कैपेसिटी है। क्यों? तो सबसे पहला बात कि वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोलते हैं, तो पहला रीजन कि वाटर जो है इजीली अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, वो भी एबंडेंट अमाउंट में, इजीली अवेलेबल इन एबंडेंट अमाउंट, प्रचुर मात्रा, जितना चाहिए उतना पानी मिलेगा, और जहां खोजोगे वहां। तो वाटर इजीली अवेलेबल है एबंडेंट अमाउंट में, इसलिए वाटर को हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल सॉल्वेंट। दूसरा बात कि नॉन टॉक्सिक है, नहीं जहरीला नहीं होता है। माने वाटर सॉल्वेंट यूज कर रहे, कहीं पड़ गया वाटर इधर उधर, तो कोई इसमें हानि हम लोग को नहीं है। तीसरा कि जो वाटर है ना, इसका डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बहुत ज्यादा होता है, हाई डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, 78.5 होता है रूम टेम्परेचर के। डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है, तो किसी भी सॉल्वेंट का एबिलिटी सॉल्यूट पार्टिकल्स के बीच के इंटरैक्शन को तोड़ने का। तो सॉल्यूट पार्टिकल्स के बीच जो, सपोज NaCl सॉल्यूट है, तो NaCl में NaCl के बीच आयनिक बॉन्ड है ना, तो उस आयनिक बॉन्ड को तोड़ने का जो एबिलिटी होगा सॉल्वेंट में, वही उसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का है। तो यह जो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है वाटर का बहुत ज्यादा होता है रूम टेम्परेचर पे, 78.5 रूम टेम्परेचर पे, इतना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट और किसी वाटर सॉल्वेंट का नहीं होता। इसीलिए आयनिक सॉल्यूट जो है वाटर में डिजॉल्व करते हैं, दूसरे सॉल्वेंट में उनका डिजॉल्यूशन जनरली पॉसिबल नहीं होता है। और अगला रीजन की जो वाटर है ना हाईली पोलर है, हाईली पोलर है। कितना होता है इसका डायपोल मोमेंट, 1.84 डिवाइड। तो इन वजहों के चलते जो है, इन कारणों के चलते वाटर को बोला जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पहला क्या होता है कि इजीली अवेलेबल है एबंडेंट अमाउंट में, प्रचुर मात्रा में, आसानी से उपलब्ध है, नॉन टॉक्सिक, जहरीला नहीं होता है, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बहुत ज्यादा है 78.5। बता दिए डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मतलब सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स या सॉल्यूट पार्टिकल्स के बीच लगने वाले फोर्स को तोड़ना कहलाता है डायरेक्टिव कॉन्स्टेंट, क्योंकि जब तक सॉल्यूट पार्टिकल्स के बीच का इंटरैक्शन नहीं टूटेगा वह सॉल्यूट कभी भी सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं करेगा। NaCl वाटर में डिजॉल्व कर रहा है, इसका एक ही वजह है कि जो NaCl का आयनिक बॉन्ड है Na+ और Cl- के बीच, उस आयनिक बॉन्ड को तोड़ने का एबिलिटी है वाटर में। इसीलिए नमक केरोसिन में नहीं बोलता है, क्योंकि केरोसिन में जो है ना उस आयनिक बॉन्ड को तोड़ने का एबिलिटी नहीं है। तो कोई भी सब्सटेंस वही सॉल्वेंट में डिजॉल्व करता है जिस सॉल्वेंट का एबिलिटी हो उस सॉल्यूट पार्टिकल्स के बीच बनने वाले फोर्स को तोड़ने का। और वाटर हाईली पोलर है, डाइपोल मोमेंट भी इसका ज्यादा होता है। तो ये हुआ एक्वस सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट होगा वाटर, जिसको हम लोग एक्वस सॉल्वेंट या यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। तो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जो वाटर में बना हुआ हो, वाटर एज ए सॉल्वेंट लिया हुआ हो, तो उसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। अब है नॉन एक्वस सॉल्यूशन, इसमें क्या बताया कि वाटर सॉल्वेंट नहीं होगा। ठीक है, वाटर सॉल्वेंट नहीं होगा तो सॉल्वेंट क्या होगा, तो सॉल्वेंट कोई नॉन एक्वस सॉल्वेंट रहेगा, जैसे लिक्विड अमोनिया। वाटर के अलावे जितने भी सॉल्वेंट हुए सभी को नॉन एक्वस बोलेंगे। लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, तो ये सभी जो हुए ना
इस सब को हम बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्वेंट। और यदि नॉन एक्वस सॉल्वेंट में सॉल्यूशन बना हुआ हो तो उसको हम बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल जैसे जैसे आप NaCl लिए, इसको वाटर में डिसॉल्व किए तो बन गया सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, NaCl वाटर में डिसॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन बना, उसको हम बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्वेंट यहां क्या है, वाटर। अब यही NaCl की जगह आप AgCl को वाटर में डिसॉल्व करो तो नहीं बनेगा सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। AgCl वाटर में डिसॉल्व ही नहीं करता है, AgCl को वाटर में ऐड करोगे वो जाकर के नीचे बैठते जाएगा बॉटम में, उसमें डिसॉल्व नहीं करेगा। क्यों डिसॉल्व करता है, इसके लिए बहुत सारा फैक्टर होता है जिसको हम लोग सॉल्वेशन एनर्जी या लैटिस एनर्जी के टर्म में देखते हैं, जो आगे इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल जानो AgCl वाटर में डिसॉल्व नहीं करेगा तो यहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। लेकिन यदि इसी AgCl को आप लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करते हो, लिक्विड अमोनिया में, तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। और यहाँ जो सॉल्यूशन मिलेगा उसको हम बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ सॉल्वेंट है लिक्विड अमोनिया मतलब वाटर के अलावे, इसलिए नॉन एक्वस सॉल्यूशन। और लिक्विड अमोनिया को बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्वेंट, यहाँ वाटर के साथ सॉल्यूशन है इसलिए एक्वस सॉल्यूशन, और वाटर को हम लोग बोलेंगे एक्वस सॉल्वेंट। तीसरा से क्लासिफिकेशन था एक्वस और नॉन एक्वस। तो सॉल्यूशन का जितना क्लासिफिकेशन हो सकता था, पहले नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के आधार पे देखे हम लोग, उसके बाद सॉल्यूट और सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट के आधार पे देखे, उसका अमाउंट देखे डाइल्यूट कंसंट्रेटेड, फिर उसमें और कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड, और उसके बाद लास्ट में एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये सभी जो क्लासिफिकेशन थे सॉल्यूशन का, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन था, क्वालिटी के आधार पे था, नॉट क्वांटिटेटिव माने क्वांटिटी के आधार पे नहीं। अब क्वांटिटी के आधार पे सॉल्यूशन को कैसे क्लासिफाई करेंगे, उसका कंसंट्रेशन कैसे बताएंगे, इन सारी बातों का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।